हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन रेसिपी विद भोली में। तो दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में सबसे पहले साफ़ सफाई के बाद सबसे पहले बात आती है खाने की। तो चलिए आज हम मीठे की तो शुरुआत हो चुकी है, मिठाई की रेसिपी मैंने एक डाल चुकी है अपने चैनल पर, और अब आती है नमकीन की बारी। तो चलिए आज मैदे की नमकीन बनाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा लिया है, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे थोड़ा सा। अब इसमें मोवन डालेंगे, आप मोवन घी या तेल जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वनस्पति डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा खस्ता बनता है। तो ये आपकी आपके ऊपर है, आप जो यूज़ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर तेल डाला है। अब तेल और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे हाथ से मसल करके। मोवन हमें इतना डालना है कि यहाँ से देखिए लड्डू जैसे जब मैं बांध रही हूँ तो वो बंद रहा है, बस इतना ही मोवन डालना है हमें। मोवन अगर कम डालेंगे आप ना तो एकदम कड़ी कड़ी सी बन जाएगी नमकीन, तो जितना अच्छा मोवन डालेंगे आप उतना ही अच्छा खस्ता ये नमकीन बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मैदे को अच्छे से गूंथ लेंगे हम। तो देखिए हाथ में भी नहीं चिपकी है ये और बर्तन में भी नहीं चिपकी है, तो हम आटा या मैदा जो भी गूंथते हैं ना उसकी अच्छे से गूंथी है कि नहीं उसकी निशानी होती है, ना हाथ में चिपकती है ना ही बर्तन में चिपक। मैदा को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब चलिए इसे बेल लेते हैं। तो एक बड़ी सी लोई उठाएंगे और आटे में रोल करेंगे, आप ऐसे भी बेल सकते हैं तो बेल लीजिए, मैं थोड़ा सा आटा लगा करके बेल रही हूँ। और किनारे से मैं काट के निकाल दूंगी इसका किनारे का हिस्सा, और स्क्वायर शेप में आ गया है देखिए ये। अब इसकी पतली पतली सी लंबी लंबी सी स्टिक तैयार करेंगे, मैं लंबे लंबे आकार में बना रही हूँ इसे, आप छोटा या जैसे भी आपको शेप देना है आप दे सकते हैं इसका। देखने में अच्छी लगती है लंबी लंबी सी, इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। यहाँ पर तेल गरम कर लेंगे और मीडियम आंच पर इसे तल लेंगे। तो ये अभी चिपकी चिपकी सी लग रही है, जैसे ही तेल में जाती है ना गरम होने के बाद ही अपने आप छोड़ देती है। हल्का हल्का सा बस आप चम्मच चलाइए इसके ऊपर राउंड राउंड से और ये निकल जाती है, सारी अलग अलग हो जाती है। हल्का गोल्डन कलर आ गया है इसका, इसी स्टेज पर हम इसे निकाल देंगे। तो रेडी है हमारी नमकीन। अब इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है, तो आप एक बार इसे डाल करके ज़रूर बना करके देखिए, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली नमकीन। आपने ऐसे सिंपल तो कई बार बनाया और खाया होगा, ये चाट मसाला के कारण ना इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर बचेगी तो, क्योंकि ये जैसे ही बनाएंगे ना आप सारे बच्चे बड़े जो भी हैं सारे लोग चट कर जाएंगे इसे। तो आप ज़रूर बना कर देखिए इसे, और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए।